हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा प्रदर्शनी में भारत विकास परिषद आपका स्वागत करता है। भारत विकास परिषद का उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास करते हुए स्वस्थ, समर्थ एवं समृद्ध भारत का निर्माण करना है। परिषद की संपूर्ण गतिविधियां 5 प्रेरक सूत्रों के आधार पर चलती है। ये है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण। 1963 में स्थापना हुए इस परिषद के आज पूरे देश में 17 जोन, 59 प्रांत एवं 1200 से ज़्यादा शाखाएं हैं। परिषद के प्रांत महाराष्ट्र कोस्टल प्रांत में 22 शाखाएं हैं। प्रांत एवं शाखाएं मिलकर स्थायी प्रकल्प एवं अन्य सेवा तथा संस्कार के कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं। भारत विकास परिषद महाराष्ट्र प्रांत वन के क्षेत्र में स्थित तलाशरी गौशाला की आधारशिला 2004 में रखी गई और उस समय सिर्फ 8-10 गायें थी। आज ये संख्या 140 से भी ज़्यादा हो गई है। इनमें से अधिकतर गायें बेसहारा, बेबस, लाचार और बीमार अवस्था में है, जिनकी सेवा शुश्रूषा में और अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। कुछ गायों से उपलब्ध दुग्ध वहाँ स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निशुल्क वितरित कर दिया जाता है। अभी तक सामान्यतः यह माना जाता रहा है कि शौचालयों की आवश्यकता दूर दराज के छोटे गांवों में ही है, जबकि मुंबई जैसे शहर में भी मालवाणी, धारावी व अन्य कई ऐसे झोपड़पट्टी वाले इलाके हैं जहां उचित शौचालयों के अभाव में चारों ओर का वातावरण दूषित रहता है। विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से मलाड पश्चिम में अभी तक 66 शौचालयों का उत्कृष्ट निर्माण एवं लोकार्पण हो चुका है। साथ ही और 39 शौचालयों का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिनका लोकार्पण मार्च 2016 तक हो जाएगा। मुंबई महानगर पालिका द्वारा आबंटित करीब 1250 वर्ग फीट में निर्मित यह पुस्तकालय मरोल अंधेरी पूर्व में है, जिसमें एक बड़ा हॉल, 2 कमरे एवं 2 शौचालय हैं। इसको सुसज्जित करके सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। आगंतुकों को हजारों की संख्या में विभिन्न भाषा की पुस्तकें, लेख, ग्रंथ एवं समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिदिन 100 से भी अधिक विद्यार्थी इस सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में जरूरतमंद लोगों के लिए 700 स्क्वायर यार्ड में 3 मंजिला आवासीय विद्यालय का कार्य निर्माणाधीन है। दहाणु में 40 विद्यार्थियों में ई लर्निंग द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने का कार्य चल रहा है। इस प्रकल्प में विद्यालय को एक कंप्यूटर, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर एवं टीवी दिया जा रहा है। साथ ही इन्हीं विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था भी की जा रही है। मंगेश विद्या मंदिर विद्यालय मलाड को 1994-95 से परिषद संचालित कर रहा है। यह एक मराठी मीडियम का विद्यालय है, जहां जूनियर केजी से 10वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है। इस विद्यालय में करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हर वर्ष
कम पड़ने वाली राशि की भरपाई परिषद द्वारा की जाती है। परिषद ने पुनर्वास एजुकेशन सोसाइटी विद्यालय के 35 मानसिक विकलांग विद्यार्थियों को गोद लिया है। यहां पर उनको बालक पालक योजना के अंतर्गत शैक्षणिक एवं वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अरविंद आश्रम शाला में करीब 1100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें ज्यादातर विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं। पावर कट की वजह से विद्यार्थियों को सिर्फ दिन में पढ़ने को मिलता था। परिषद ने पूरे स्कूल को सोलार लैंप द्वारा बिजली उपलब्ध करवाई है। परिषद यह स्थायी प्रकल्प भारत विकास मेडिकल सेंटर गोराई बोरीवली पश्चिम में पिछले 10 वर्षों से संचालित कर रहा है। यहाँ पर दंत एवं स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा बहुत कम कीमत पर मुहैया करवाई जाती है। प्रतिमा 600 से ज़्यादा रोगी इस मेडिकल सेंटर में आकर लाभ उठा रहे हैं। परिषद का पैथोलॉजी लैब सेंटर भी गोराई बोरीवली पश्चिम में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत है। यहाँ पर 60 प्रकार से भी ज़्यादा तरह की जांच बहुत ही रियायती दरों पर की जाती है। प्रतिमाह 500 से भी ज़्यादा व्यक्ति इस लैब से लाभान्वित हो रहे हैं। गत 6 वर्षों से राजेंद्र नगर बोरीवली पूर्व स्थित वाचनालय का देखरेख एवं संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन 100 से भी अधिक विद्यार्थी इस सुविधा का निशुल्क उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकल्प के मुख्य लाभार्थी नज़दीक की झोंपड़पट्टी में रहने वाले विद्यार्थी हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। विही गांव में पीने के पानी के लिए महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। सूखे की वजह से यह समस्या और भीषण हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए परिषद ने 2 कुएं और बंद वाल बनवाए। इससे जल संभरण करके पीने के पानी की समस्या से निजात मिली है। सावित्री देवी फुले विद्यालय साकीनाका में स्लाइडिंग खिड़कियां, हॉल एवं स्टेज का निर्माण एवं मरम्मत करवाकर सहायता की गई है। प्रतिदिन प्रातःकाल जेबी नगर अंधेरी ईस्ट में योग शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में प्रशिक्षित योग गुरुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के योगासन एवं प्राणायाम के द्वारा स्थानीय नागरिकों को शारीरिक एवं मानसिक लाभ पहुंचाया जाता है। शिविर में महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों का समावेश होता है एवं प्रतिदिन 60-70 व्यक्ति नियमित रूप से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। परिषद द्वारा पिछले कई वर्षों से केशव सृष्टि में बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की बहुमुखी एवं चहुमुखी प्रतिभा के विकास के प्रयास किए जाते हैं। वागेश्वरी आश्रम मलाड़ पूर्व में करीब 100 गायों को केवल सूखी घास खाने को मिलती थी। परिषद नियमित रूप से सप्ताह में 2 बार हरी घास खिलाने का कार्य पिछले 2 सालों से कर रहा है। वागेश्वरी आश्रम मलाड़ पूर्व में मेडिकल केंद्र खोला गया है, जहां जरूरतमंद लोगों को डॉक्टर द्वारा निशुल्क परामर्श एवं दवाइयां प्रदान की जाती है। विगत 17 वर्षों से निशुल्क
एवं रियायती दरों पर नोटबुक्स का वितरण मलाड पश्चिम में किया जा रहा है। इस वर्ष भी 10 अलग अलग स्थानों पर 7,000 दर्जन नोटबुक्स का वितरण किया गया। इसी तरह मलाड पूर्व में भी 5,000 दर्जन निशुल्क एवं रियायती दरों पर नोटबुक्स का वितरण किया गया। अन्य कई स्थानों पर भी ये कार्य किया जाता है। परिषद द्वारा पिछले 20 वर्षों से मलाड पश्चिम में निशुल्क एक्यूप्रेशर का आयोजन किया जाता है। अभी तक 3,000 से ज़्यादा लोगों ने इस रोग निवारण विधि को सीखकर लाभ उठाया है। परिषद द्वारा हर वर्ष 26 जनवरी को भयंदर में देशभक्ति का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थिति रहती है। 151 आदिवासी जोड़ों का सामूहिक सरल विवाह का आयोजन वाड़ा में किया गया। परिषद प्रतिवर्ष ये प्रकल्प करता आ रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप हर वर्ष अलग अलग जगह और अनेकों बार लगाए जाते हैं। पर्यावरण एवं पवित्रता के मद्देनजर आषाढ़ एकादशी के दिन 25,000 से भी अधिक तुलसी के पौधों का वितरण किया जाता है। मैराथन एवं भारत जागो दौड़ का आयोजन भी प्रतिवर्ष कई जगहों पर किया जाता है। जरूरतमंद लोगों को नियमित रूप से अन्नदान का वितरण किया जाता है। विकलांग एवं सूरदास श्रेणी को इसकी विशेष रूप से सहायता पहुंचाई जाती है। हाल ही में 8 फरवरी 2016 को परिषद के इस प्रांत के अध्यक्ष श्री एस.एस. गुप्ता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी से मुलाकात करके उन्हें परिषद के इन कार्यक्रमों का प्रपत्र प्रस्तुत किया। परिषद द्वारा मीरा रोड में ग्रामीण विद्यालय के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। इस विद्यालय का उद्घाटन 1946 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। विद्यालय में 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा है एवं अभी विद्यालय में 185 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इन सभी सेवा के अनेकानेक प्रकल्पों के साथ परिषद संस्कार के अद्वितीय कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय हिंदी एवं संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, घर एक मंदिर एवं संस्कार शिविर है। इन सभी कार्यक्रमों एवं प्रकल्पों के माध्यम से संपन्न, समृद्ध एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों से साधन एवं सेवाएं जुटाकर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक क्षेत्रों में प्रगति करते हुए स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध एवं संस्कारित भारत का निर्माण करना ही भारत विकास परिषद का उद्देश्य है। वंदे मातरम। धन्यवाद।